हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का दिन भारतीय लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास आपके लिए दो ऐसी न्यूज़ है जिसमें से एक तो काफ़ी बुरी है लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है जिसे सुनकर आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरी न्यूज़ की। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अभी हाल ही फिलहाल के भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी कोरोना की जांच कराई है जिसमें उनका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने की बात खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सबको बताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरू के लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच जरूर करवाएं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब गृह मंत्री जी डॉक्टर्स की सलाह पर मेदांता अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अब बात करते हैं अच्छी खबर की। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खबर भी है आपके लिए। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन जी को का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद वो भी अस्पताल में भर्ती हुए थे। लेकिन आज उनका एक और रिपोर्ट नेगेटिव आया है जिसके बाद अब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे रहे हैं और अब उन्हें 14 दिन अपने घर में ही होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 14 दिनों के बाद उनको फिर से कोरोना की जांच करनी पड़ेगी और अगर इसमें उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो वो पहले की तरह अपना सारे सामान्य काम कर सकेंगे। आप सबकी इन दोनों न्यूज़ पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूले। थैंक यू।